हम इनको दोबारा ऑफ कर लेते हैं। इस वजह से ये देखो, अगर खुदा ना खास ये गिर जाए, बहुत से लोग ज्यादा इनको पसंद कर देते हैं। इस वजह से लोग पसंद गए कि फुली ऑटोमेटिक ओडीए सिस्टम में की आ गया। दोबारा हम प्रेस कर देते हैं, की खत्म हो जाएगा। सही, ये एयर क्लीनर के लिए है। एयर क्लीनर हमने ये देखो इधर से गैस जाएगा, लेकिन ये देखो व्यूअर्स, ये लग गया तो ऑटोमेटिकली आप लॉक कर सकते हो ओपन। ये जेन्युइन कंपनी का पाइप आ जाएगा। ये देखो व्यूअर्स, ये बिल्कुल अभी गर्म हवा है। ये देखो इनका ये रेड हो चुका, पहले ब्लू था, एयर क्लीनर लगा था, अभी ये रेड हो चुका है। इस वजह से कि इन्होंने ऑप्शन दे दिया, लोग पसंद गए कि फुली ऑटोमेटिक ओडीए सिस्टम में ऑक्सीडम खत्म हो जाए, ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाए। व्यूअर्स देखो, इसी वजह से। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं इमदाद खान और आप देख रहे हो इमदाद व्लॉग। जैसा कि आपको पता है कि हमने हर वक्त एक स्पेशल प्रोडक्ट आपको दिखाया है। आज हमारा जो सारे दुकान का मुकम्मल रिव्यू जो आपके सामने लगे, हमारे पास जितने ही प्रोडक्ट है एक एक हम करके आपको दिखा देंगे। हमारे पास जो हीटर है, चूल्हा है, गीजर है और ग्लोर हीटर है, रिनाई हीटर है, इंस्टेंट वाटर हीटर है, ए टू जेड हम इस वीडियो में आपको दिखा देंगे। पहले हम स्टार्ट कर लेते इलेक्ट्रिक इंस्टेंट इलेक्ट्रिक वाटर इलेक्ट्रिक रूम हीटर जो आपके सामने पड़ा है। ये मेड इन ईरान का है, टॉक्सन कंपनी का है, बिल्कुल ब्रांड न्यू है। इसमें हमारे पास एक रेड कलर है और इसमें हमारे पास वाइट कलर भी अवेलेबल है। सबसे पहले हम आपको चेक कर देते हैं। आपको ऑब्वियसली पता है कि बिजली महंगी है, तो इसी वजह से वो चीज़ आपने लेना है जो कम कंज्यूम करे। सही है, इनको हम चेक करके आपको दिखा देते हैं कि इनका वाट जो है कितना है और किस तरह इसमें फीचर्स है। ये देखो, जस्ट ओनली 1200 वाट है, 3 बटन इसमें है, आप इजीली इनको मूव भी कर सकते हैं। और इसमें मेन फीचर्स है वो मैं अभी चेक करके आपको दिखा देता हूँ। ये देखो यूज, ये हमने स्टार्ट कर दिया, ये इधर लाइट इनकी ऑन हो गई। देखो ये लाइट इनका ऑन हुई, ये एक वाट हमने लगाया है। हमारे पास अभी बिजली नहीं है, हमने ये यूपीएस पे भी लगाया है। सही है, एक हीटर मतलब ये 1200 वाट है, हमारे यूपीएस ने आवाज शुरू कर दिया। देखो हम इनको दोबारा ऑफ कर लेते हैं। इस वजह से ये देखो, अगर खुदा ना खास्ता ये गिर जाए ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता। ये देखो दोबारा हमने रख दिया तो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है, हमारा यूपीएस डायरेक्टली आवाज कर लेगा। इनमें हमारे पास दो कलर है, एक रेड है और एक वाइट है। जस्ट ओनली 4500 रुपए इनकी कीमत है। इसके बाद हम जाते हैं जैपनीज ब्लोअर हीटर के तरफ, जो मेरे पास आज बिल्कुल नया स्टॉक अवेलेबल है, बिल्कुल नया स्टॉक आया है। मैंने पहले भी इन पे वीडियो बनाया थी कि सबसे लेटेस्ट मॉडल मेरे पास ब्लोअर हीटर है। ये जो सामने आपके साथ ढेर लगे है, इसमें हमारे पास 4000 BTU है, एयर क्लीनर भी है, ये 4.5 है, मतलब 4500 BTU। इसमें हमारे पास मुख्तलिफ रंग है और मुख्तलिफ मॉडल है, रिनाई है, टोक्यो है, ओसाका है और हाइब्रिड है, हाइब्रिड है और इकोसिस्टम है और प्लाज्मिक क्लस्टर है। अभी हम एक हीटर उठाकर आपको चेक कर देते हैं कि किस तरह इनकी फंक्शन है और किस तरह ये काम कर लेता है। ये हमारे पास ज़बरदस्त कलर है, यूनिक कलर है, एक ये मॉडल इसमें है, एक दूसरा मॉडल मैं लेकर आता हूँ, ये मॉडल आपको चेक करके दिखा देता हूँ। इस मॉडल में ये खसूसियात है, इसमें खुदा ना खास्ता ये गिर जाए ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है, और एयर क्लीनर भी है, एयर फ्रेशनर भी है, 6 प्लाज्मा आयंस है। अभी हम एक को चेक करके आपको दिखा देते हैं। ये अलग मॉडल है, ये अलग मॉडल है, हम इनको चेक करके आपको दिखा देते हैं। इनमें ये है, जैपनीज जुबान भी बोल जाता है, सही है, मतलब फॉल्ट आ जाए वो आपको बता देता है, या कोई और गैस ना आए वो भी जैपनीज में जुबान में बोल जाता है। लेकिन इसमें कुछ फीचर्स है जो बाकी आम हीटरों में नहीं है, जो ये 2400 BTU, 3000, 4000, 3500 BTU सामने जो आपके सामने ये लगे, ये फीचर इन हीटरों में नहीं है, जो ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ इस ब्लोअर हीटर में। अभी इनको स्टार्ट करके आपको हम दिखा देते हैं। हमने इनका स्विच लगा दिया, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जब स्विच लगा दिया तो इनका डिस्प्ले आ गया। अभी हम इनको सिलेंडर लगा कर चेक कर देते हैं कि किस तरह इनका फंक्शन होता है। ये हमने इधर सिलेंडर लगाया है, अब हम इनको चेक कर देते। ये जब हम ये इसका एयर क्लीनर बटन है, इधर आप हाथ लगा सकते हो तो इधर इसकी हवा निकल जाती है एयर की। ये देखो, ये आवाज़ आपको समझ जा रही है। फॉर मिसाल इधर ग्रीन लाइट भी इनका ऑन हो गया, ये आपको बता रहा है कि अभी ये
स्टार्ट हो चुका है, ईयर क्लीनर इसका स्टार्ट हो जाए। अभी सारा डिस्प्ले इनको वॉइस कम और ज्यादा भी कर सकते हैं, आप गूगल ट्रांसलेट कर सकते हैं इसको, इनके हर बटन को आप गूगल ट्रांसलेट कर सकते हैं। अभी इनका हीटर हम स्टार्ट कर देते हैं। अभी ये करंट टेम्परेचर जो हमारे दुकान में है वो जस्ट 20 वाट का है, आप इसको हाई कम कर सकते हैं, देखो टेम्परेचर को कम और ज़्यादा कर सकते हैं। इधर से आपको गर्म हवा देगी, अगर ये देखो मुकम्मल गर्म हवा, इसमें हम गैस छोड़ जाते हैं तो ऑटोमेटिकली अभी आ जाएगा। ये देखो व्यूअर्स, ये बिल्कुल अभी गर्म हवा है, ये देखो इनका ये रेड हो चुका, पहले ब्लू था ईयर क्लीनर लगा था, अभी ये रेड हो चुका है, इस वजह से कि इन्होंने ऑप्शन दे दिया कि ये हीटर अभी ऑन है। तो खुदा ना खास्ता गैस चला जाए और आ जाए, ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है। करंटली टेम्परेचर आपको बता देता है, रूम टेम्परेचर भी आपको बता देते हैं, चार लॉक ऑप्शन भी है। देखो डबल प्रेस हमने कर दिया, इधर ये की आ गया, दोबारा हम प्रेस कर देते की ख़त्म हो जाएगा। सही, ये ईयर क्लीनर के लिए है, ईयर क्लीनर हमने बंद कर दिया, इधर ये बंद कर, मैं आपको ईयर क्लीनर इनकी चेक करके थोड़ा सा ये ऑप्शन दिखा देता हूं। ये देखो व्यूअर्स, ये इनका एयर क्लीनर है, देखो छोड़ता ही नहीं ये शॉपर, देखे ये इनका एयर क्लीनर है और ये इनकी गर्म हवा है। देखो व्यूअर्स, इनकी ज़्यादा फ्लो है और 6 प्लाज्मा आयन है, गैस चला जाए आ जाए ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है। इनमें हमारे पास वाइट कलर भी है, सिल्वर कलर भी और ब्राउन कलर भी अवेलेबल है। ये मॉडल 2016 मॉडल है, सही है, अभी हम 2020 मॉडल 19 मॉडल तक जाते हैं, जो सबसे इससे भी नया टेक्नोलॉजी में बनाया है इन लोगों ने। ये मूव भी कर सकते हैं इजीली, ये देखो इधर भी मूव कर सकते हैं, इधर भी मूव कर सकते हैं। अब हम इनको चेक करके आपको दिखा देते हैं। ये देखो व्यूअर्स, आवाज़ कर दिया, अलार्म बना दिया कि मैं चलने के लिए तैयार हूँ, इधर से ऑन हो गया। इधर से अभी एक रूम 19 टेम्परेचर आपको बता रहा है, ये करंटली टेम्परेचर इस तक हाई और लो कर सकते। ये ईयर क्लीनर हमने लगाया, इसका ईयर क्लीनर ये को ये हवा चल गई ना तो इसका ये इसका उधर था ना कर्ल डिस्प्ले, इसका ये इधर है, आप इसको प्लाज्मा आयन भी कर सकते हैं, स्मोकिंग के लिए एयर क्लीनर के लिए भी सकते हैं, वही फीचर है, वही पाइप आप लगाओगे फुली ऑटोमेटिक। इस हीटर के साथ मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पाइप भी दे दूंगा ना, ये जो जेन्युइन इनको जापान से आता है और लगता है व्यूअर्स। ये देखो हम इनको ये पाइप लगा कर आपको दिखा देते हैं, ये देखो व्यूअर्स, ये लग गया तो ऑटोमेटिकली आप लॉक कर सकते हो ओपन। ये जेन्युइन कंपनी का पाइप है, सही है, इधर से आपको नज़र आ रहा है, ये कंपनी का पाइप है, कंपनी पाइप आपको लगता है। ये 2.4 किलोवाट 4500 BTU है, सबसे बेस्ट मॉडल और सबसे खूबसूरत डिज़ाइन वाला मॉडल हमारे पास 4000 BTU में अवेलेबल है। तो जी व्यूअर्स, मैंने कहा कि हम सारा डायमो आपको दिखा देंगे। ये हमारे पास जैपनीज रिनाई हीटर है, सिरेमिक प्लेट, एक तो हमने ब्लोअर लगाया दिखाया था जो इनको बिजली की ज़रूरत, मतलब फ़ैन भी आप बिजली लगाने की ज़रूरत है और गैस की जस्ट चलना सर अब ऑपरेट करने के लिए बिजली की ज़रूरत है, अगर आपकी मतलब UPS तो आप लगा सकते हैं। फिर इनके ये सिर्फ गैस वाले हीटर है, जो सिरेमिक प्लेट इनको कहा जाता है, ये हमने LPG गीज़र और हीटर उठा दिए, ये देखो LPG जेन्युइन इसमें लिखा होता है, सही, उसी तरह उनको जापानी पाइप भी लिखता है, बिल्कुल ब्रांड न्यू कंडीशन में हमारे पास अवेलेबल है। इनमें दो प्लेट है और इसमें नीचे सेल लगता है इग्निशन करने के लिए, सही है, हमने सेल डाले। अभी हम LPG पे आपको चेक करके दिखा देते हैं कि ये किस तरह काम कर लेता है। हमारे पास ये LPG सिलेंडर हमने इधर लगाया है, अभी हम चेक कर देते, बहुत कम गैस का आता है, ये देखो इस गैस पे हम आपको चेक आउट कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा कम प्रेशर है इनका, तो इन पे हम आपको चेक कर देते हैं कि ये किस तरह फंक्शनल होता है। जस्ट आपने पुश करना है ब्रदर, ये देखो ये आपने पुश करना है, 5 सेकंड आपने दबाना है, इस वजह से कि ऑटोमेटिकली गर्म हो जाए। फिर इनका एक प्लेट भी आप कर सकते हो, दो प्लेट भी कर सकते हैं, हमारे दुकान में लाइट ज़्यादा है तो इसी वजह से इनमें रेड सा नज़र नहीं आ रहा, तो हम अभी इनको लाइट बंद करके आपको दिखा देते हैं, सही है। इसमें कमाल ये है कि ये एक प्लेट भी लगा सकते, ये एक प्लेट है, सही है, दोबारा आप दो प्लेट लगा सकते। अभी हम लाइट ऑफ करके आपको दिखा देते हैं कि किस तरह ये रेड सा नज़र आ रहा है। ये देखो व्यूअर्स, ये हमने लाइट बंद करके आपको दिखाया कि बहुत ज़बरदस्त है, खूबसूरत है। इनमें ये जो फ्रंट में लगाए, इनको हम लाइट दोबारा ऑन करके आपको दिखा देते हैं। इसमें कमाल ये है कि इनमें फ्रंट में इंफ्रारेड लगा है, इंफ्रारेड का ये मतलब है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ही टारगेट कर लेता है। एक प्लेट भी है, दो प्लेट, इसमें वाई द पीपल बाय रिनाई एक्सपेंसिव हीटर, यही मेन पॉइंट है कि लोग क्यों जापान के एक्सपेंसिव हीटर ले ले।
इस वजह से ले ले कि इसमें ऑटोमेटिक सेफ्टी है, गिर जाए तो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाते हैं, दोबारा हमने इधर सीधा किया तो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाते हैं। ये बटन ऑन है, खुदा ना खास्ता रात को आप सोए गए हो, आपने गैस छोड़ा है तो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है। ये देखो बटन ऑन है, फंक्शनल है, पीछे से गिर गया तो ये गैस नहीं निकलेगा। इधर हम खोल लेते, आपको प्रेशर दिखा देते, ये देखो, ये देखो इधर से गैस जाएगा, लेकिन हम हीटर में लगा देते हैं तो बिल्कुल बंद है। इस वजह से लोग रिनाई हीटर ले रहे हैं। तो जी व्यूअर्स, ये हमारे पास छोटे कमरे के लिए 10x12x14 कमरे के लिए हमारे पास दो कलर अवेलेबल है। इसमें हमारे पास नेचुरल गैस भी है और सिलेंडर भी है। अभी हमने सिलेंडर हीटर ही उठा दिया कि आपको चेकआउट कर लेते, सही है। ये जस्ट आपने पुश करना है, सही है, तो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाए। ये देखो व्यूवर्स, ये ऑन हो गया। 5 सेकंड आपने दबाना है कि इनका थर्मोकपल गर्म हो जाए, फिर आपने छोड़ना है, सही है। दोबारा हम इनको काम कर दे, ऑन कर देते कि मुकम्मल ही गर्म हो जाए, फिर हमने छोड़ना है। ये देखो व्यूवर्स, अभी ये मुकम्मल हीटअप हो जाए, थर्मोकपल जो सामने नज़र आ रहा है ना, ये जो स्क्रू जैसा है। अभी एक प्लेट भी लगा सकते हैं, दो प्लेट भी इनको लगा सकते हैं। दोबारा व्यूवर्स हम अपने लाइट बंद करके आपको दिखा देते कि किस तरह ये रेड हो जाता है। ये वैसे भी रेड हो जाता है 2-3 मिनट, लेकिन हम जल्दी आपको कि आपके टाइम ज़ाया ना हो जाए, हम रेड कर लेते हैं। इसमें कमाल ये है कि जेन्युइन एलपीजी के लिए बना है, सही है। एलपीजी में ये जब भी आपने किसी दुकानदार से परचेस करना है तो आपने उसे कह देना कि हमें ओरिजिनल एलपीजी चाहिए या नेचुरल गैस, ये पहले ही आपने कस्टम दुकानदार को बताना है। लाइट बंद करके आपको दिखा देते हैं व्यू, बहुत खूबसूरत एक ज़बरदस्त डिज़ाइन बना हुआ है जापान का। बहुत से लोग ज़्यादा इनको पसंद कर देते हैं, इस वजह से लोग पसंद करें कि फुली ऑटोमेटिक है, ODS सिस्टम में ऑक्सीडम ख़त्म हो जाए, ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाए। व्यूअर देखो, इसी वजह से रिनाई लोग ले रहे कि ये